हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग और हैप्पी होली टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड। और हमारे चैनल की तरफ से सबको हैप्पी होली। मे दिस होली बी गुड फॉर योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। और आज इसीलिए निकले व्लॉगिंग के लिए क्योंकि आज होली है, तो होली के दिन कुछ ना कुछ तो रहना ही चाहिए, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग, राइट? तो लेट्स गो व्लॉगिंग। एंड ये रही अपनी सोनिक, बहुत दिनों बाद निकली और आज इसने भी होली खेला है थोड़ा बहुत, सो पानी एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर। और बहुत जल्दी एक नई मेंबर आने वाली है अपने घर में, आपको हिंट दे देता हूँ, एक नई बाइक के ऊपर वीडियो आने वाली है, इट इज़ अ कावासाकी निंजा 300। सो टुडे वी विल बी गोइंग फुल थ्रॉटल, लेट्स सी ये कहाँ तक और किस स्पीड तक पहुँच सकती है। कर रहा हूँ, आई डोंट नो क्यों, बट जैसे ही सडन जर्क लगता है या झटका लगती है तो ऑल ऑफ अ सडन मीटर गोज डाउन और स्पीड वगैरह कुछ नहीं दिखाता एक्सेप्ट फॉर द बाइक इज रनिंग। और तो अब पता नहीं, लेट्स सी, और किसी दिन होंडा में जाके इसके रिगार्डिंग भी कुछ कंप्लेंट करते हैं। आई थिंक सो ये लॉक सेट का इशू है, बिकॉज वंस द डिस्प्ले गोज डाउन आई टॉगल द लॉक सेट एंड द डिस्प्ले कम्स बैक राइट अवे। सो लेट्स सी क्या रहता है। अभी तो फिलहाल आज ऐसे ही निकले हैं व्लॉगिंग के लिए क्योंकि व्लॉगिंग के वीडियो बहुत दिन से नहीं आए और आज थोड़ा सेटअप भी रेडी था, थोड़ा वीडियो बना लिया जाए। लेट्स सी, अराउंड 100 गई थी ये, लॉन्ग स्ट्रेच तो नहीं था लेकिन फिर भी ठीक ठाक 100 पहुंच गई थी, इजीली पहुंच जाती है, बस वो गड्ढा अगर बीच में नहीं आता तो 100 तो इजीली क्रॉस कर जाती है बाइक, नॉट एन बिग डील फॉर दिस। सो लेट्स सी, यहाँ से भी आगे से यू टर्न मार के एक और बार इस रोड पे एक बार भगा के देखेंगे अगर खाली एक स्ट्रेच मिलता है तो। सो अब यहाँ से यू टर्न मार के एक और बार एक लंबा स्ट्रेच थोड़ा भगा के देखेंगे, लेट्स सी कितना स्पीड पकड़ती है ये, और फिर उसके बाद देखते हैं यहीं से यू टर्न मार लेंगे। तो लेट्स सी, अब पहले थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं, लेट्स सी अभी क्या होता है कैसा होता है। 65 लिमिटर लग जाता है सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर किलोमीटर लग जाता है थर्ड गियर, और अभी इसके बाद फोर्थ गियर चेक करेंगे। पहले स्पीड ब्रेकर आ गया, लेट्स स्लो डाउन। आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है, सो पहले यहाँ से निकल लेते फिर उसके बाद आगे जाके भगाते जहाँ खाली रोड होगा थोड़ा सा, लेट्स सी। तो फोर पे फोर्थ गियर का लिमिटर आ गया, अभी इसके आगे देखते हैं अभी कहाँ पे 10 मतलब फिफ्थ गियर का लिमिटर किस पे लगता है, लेट्स सी। इतना स्ट्रेच मिलेगा ही नहीं कि हम लोग फिफ्थ गियर चेक कर पाए, उसके लिए तो हमको हाईवे पे ही जाना पड़ेगा। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो एन हाईवे, पर इसमें टर्न्स और ये सब बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाई टॉप स्पीड की तो चेकिंग तो बहुत मुश्किल है, बट स्टिल ट्राई तो कर रहा हूँ, लेट्स सी। लेट्स सी एक और बार ट्राई करते हैं स्ट्रेच पे।
टर्न आ गया, हो गया वाव। जब लिमिटर पहुंचा तब तक वीडियो बंद हो गया एंड देयर इट गोस। ऐसा है क्या बोलूं यार, दैट्स व्हाई आई हेट एप्पल। जब भी कोई नोटिफिकेशन आती वीडियो गोज ऑफ। यार फिर से फिफ्थ गियर का करना पड़ेगा, लेकिन अब इतना लंबा स्ट्रेच तो नहीं मिलेगा कहीं। फिर भी ऑलमोस्ट 124, 126, 127 जाती है गाड़ी, नॉट एन इशू रिगार्डिंग दैट। सो उतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी से कि आराम से मतलब 130, 132 तो क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि जब भी मैं इसका चेन लूप करता हूँ तो मैं इसे स्टैंड पर ही रख के इसको पूरा करता हूँ लूप, उसके बाद फिर एक बार गियर चेंज करके टॉप लिमिट तक इसको रेव करता हूँ। तो 130 to 134 तक जाती है वैसे। अभी लोडेड में उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, पर उससे कम भी नहीं जाएगी शायद से, ऐसा सीन है कुछ। तो लेट्स कंटिन्यू दिस ब्लॉग, अभी तो वीडियो बंद हो गया था बट लेट्स सी। अभी धुलाना भी है, लेकिन अभी इतनी गर्दी है यहाँ पे ना कि धुला भी नहीं सकते ऐसा साला, एज सच कि खड़े होकर तुम धुला लो दो पाँच मिनट में हो जाएगा, ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी गर्दी है वॉशिंग सेंटर्स पे, बोलो नहीं, क्योंकि सबकी गाड़ियाँ गंदी हो गई है। लिटरली सबकी गाड़ियाँ गंदी हो गई है, अब क्या किया जा सकता है। और आज मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने क्योंकि आज बारिश का मौसम हो रहा था, बट बारिश हुई नहीं, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में सुबह सुबह हुई थी थोड़ी बहुत, 2, 4, 6, 8, 10 बूंद गिरी रहेंगी, लेकिन फिर उसके बाद सडनली वो बंद हो गई वो भी। अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मौसम बहुत थोड़ा अजीब ही हो रहा है एकदम। तो लेट्स सी, अभी हम तो जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होम। एक्चुअली बस वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा आगे गया था ताकि मैं वीडियो बना सकूं, ब्लॉग बना सकूं और आपके लिए कुछ नया अपडेट या कंटेंट डाल सकूं, और बस बाकी और कुछ नहीं, बाकी यही है आज का ब्लॉग। सो लेट्स गेट गोइंग। आज उस वाले स्पॉट पे नहीं जा पाया जहाँ पे हमेशा वीडियो बनाने के लिए जाते थे, क्योंकि वो स्पॉट यहाँ से बहुत दूर है। एक्चुअली आई एम नियर बाय माई होम, सो वहाँ से यहाँ से कम अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स तो होगा ही होगा फॉर श्योर। सो उतना लंबा जाना सेंस नहीं बना रहा था मेरे हिसाब में, क्योंकि कुछ काम तो था नहीं मुझे वहाँ पे। अगर कुछ काम होता तो जाके वहाँ पे वीडियो बना के रिटर्न आने में दैट्स नॉट एन इशू, बट अगर आप ऐसे ही जा रहे हो खाली वीडियो बनाने के लिए तो थोड़ा सोच के जाना पड़ता है, क्योंकि इवन आई हैव टू डू समथिंग, बिकॉज मेरे इतने सब्सक्राइबर्स तो है नहीं अभी फ़िलहाल में कि मैं यूट्यूब से अर्न कर रहा हूँ इतना भी, तो यूट्यूब से अर्न नहीं कर रहा हूँ तो साइड से मुझे कुछ करना पड़ रहा है, मतलब फॉर दिस कि मैं आगे आगे कंटेंट बना सकूँ। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए तो डेली हमेशा वीडियो आएंगी, क्योंकि अगर एक बार मुझे यूट्यूब से एक बार मिल गया कुछ ना कि मिल गया कुछ कि अब कर सकते हैं यूट्यूब पे ही सब कुछ, भी साइट का ज़रूरत नहीं है, तो मैं कुछ भी साइट से कुछ करूँगा नहीं, बस यूट्यूब एंड दैट्स इट बस। क्योंकि अभी मुझे सामने से तो साइट से कुछ करीब करना ही पड़ रहा है, क्योंकि ऑल एवरीवन नोज दैट कि खर्चे तो रहते हैं भाई, कुछ भी करो तो खर्चे तो निकालने के लिए, और ऊपर से ये गाड़ी मेंटेन रखने के लिए एंड एक्सेसरीज वगैरह लगाने के लिए, नया कंटेंट बनाने के लिए भी पैसे लगते ही हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कहीं खजाना वजाना आ जाएगा, तो ऐसी कोई ये भी नहीं है, लेकिन लेट्स सी, होप सो जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे और व्यूज टाइम बढ़े, तो जैसे मोनेटाइज हुआ चैनल तो वैसे ही फट से पैसे वैसे आने लगे, तो फिर तो और तबाही कंटेंट आने वाला है फॉर श्योर। लेट्स सी, ये है कुछ हमारे यहाँ का, नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे या फिर कॉम्प्लेक्स है कुछ भी, और ये स्टार मोटर्स एंड ऑल एवरीथिंग, यहाँ पे कार का रीसेलिंग चालू रहता है, और ये भूमि लोन्स। एक्चुअली मैं यही घर लेने का सोचा था पहले पप्पा ने मेरे, लेकिन फिर आगे चले गए थोड़ा सा। वैसे एरिया तो बहुत अच्छा है यहाँ का, जो भी यहाँ आएगा रहने के लिए फर्स्ट इंप्रेशन तो उसके लिए यही रहेगा कि नहीं एरिया इज़ गुड, और तो बाकी उनके दिमाग में तो कुछ आएगा नहीं। और क्योंकि अभी उसमें भी हर चीज़ में टाइम लगता है ना धीरे धीरे चेंज होने में भी, लेकिन ये है आप यहाँ पे घर लेने के बाद यू विल नेवर रिग्रेट एनीथिंग, क्योंकि इतना कुछ ख़राब भी नहीं है और इतना कुछ अच्छा भी नहीं है बॉम्बे की तरह, लेकिन समवेयर इन द मिडल मतलब एक परफेक्ट स्पॉट है, वो इतना भी कुछ ये नहीं है, लेकिन ठीक है चल जाता है।
अभी एक्चुअली ये वीडियो शूट हो रहा है मेरे मोबाइल से, आईफोन 11 से, सो आई डोंट नो द वीडियो क्वालिटी और द ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल माइक है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो पता नहीं कैसा वीडियो आता, लेट्स सी। एक्चुअली कैमरा का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, जब से एक बार वो कैमरा ख़राब हुआ है मेरा तब से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। आई लिटरली इतनी प्रॉब्लम आज तक कभी मुझे नहीं हुई, जब से मेरा वो एक बार कैमरा ख़राब हुआ उसके बाद से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालने में, क्योंकि हर बार मोबाइल से वीडियो बनाना ईजी नहीं रहता। एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ गया तो थोड़ा सा हार्ड डिफिकल्ट तो रहता है, क्योंकि काइन मास्टर में एडिटिंग करने में ही हालत ख़राब हो जाती है, ऐसे कैसे कैमरा रहता है तो कैमरे में ही फटाफट हो जाता है सब, एंड डायरेक्ट बस अपने को अपलोड करना रहता है फ़ोन में। अब फ़ोन में अपलोड करने के बाद जस्ट हो गया, हाँ भाई थोड़ा बहुत एडिटिंग रहेगा, थोड़ा बहुत एडिटिंग वी कैन डू, बट फ़ोन में बनाने के बाद कौन कौन से पार्ट हमें पसंद आते हैं, कोई पार्ट नहीं पसंद आते तो वो ट्रिम करके फिर हटाना, वो एक थोड़ा सर दर्द रहता है, बट कुछ भी आप सबके लिए कुछ भी, सो गेट गोइंग। और मैं पहुंच रहा हूं मेरे घर के पास, सो दे इज माई हाउस, वो रही मेरी सोसाइटी, ये ब्लैक बिल्डिंग के पीछे, सो वेट अ सेकंड, आई होप यू कैन सी दैट, इस बिल्डिंग के पीछे ये मेरा घर। ओके, राइट आउट राइट से बी से बाय।